आज हम बताएंगे एक्सरे क्या है और क्यों कराना चाहिए। आपको बता दें कि एक्सरे एक सामान्य इमेजिंग टेस्ट है जिसका उपयोग बीमारियों के निदान के लिए दशकों से किया जा रहा है। शरीर में बिना कोई चीरा लगाए डॉक्टर शरीर के अंदर का इमेज आसानी से देख सकता है, जिससे उन्हें इलाज करने में आसानी होती है। एक्सरे करने के फायदे के साथ इसके कुछ हल्के से दुष्प्रभाव भी होते हैं। एक्सरे दर्द रहित होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार के एक्सरे कराने का उद्देश्य भी अलग अलग होता है, जिससे किसी शरीर में विभिन्न समस्याओं के सही निदान के लिए डॉक्टर आमतौर पर एक्सरे की सलाह देते हैं। एक्सरे निम्न कारणों से किए जाते हैं, जैसे कि शरीर के किसी अंग में बीमारी है इसका पता लगाने के लिए, जैसे कि हड्डी का कैंसर, फेफड़ों में समस्या, फेफड़ों का कैंसर, पाचन क्रिया गड़बड़ाना, संक्रमण के लिए, दांतों में सड़न, खाने पीने की वस्तु को निगलने में परेशानी, टूटी हड्डियों के लिए, पेट में दर्द, कैंसर जैसी समस्याओं के लिए, हाड़ का बढ़ना जाना, इन सभी समस्याओं के लिए एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे करवाने से पहले किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक्सरे करने से कुछ घंटे पहले डॉक्टर मरीज को कुछ ना खाने की सलाह देता है, और जैसे कि गहने धातु वाली चीज़ें को शरीर से उतरवा देता है। एक्सरे कराने के लिए मरीज को एक टेबल पर लिटा दिया जाता है, जो शरीर के जिस हिस्से का एक्सरे कराना होता है उसके सामने टेबल के ऊपर एक एक्सरे ट्यूब लटका दी जाती है। इससे टेबल के दराज के नीचे एक चित्र बनता है। एक्सरे मशीन शरीर के माध्यम से एक बीम भेजती है। इस बीम को व्यक्ति को कठोर हड्डियां अवरुद्ध कर देती है और एक सफ़ेद फिल्म बनती है। यह विकिरण मांसपेशियों एवं वसा जैसी नरम ऊतकों से भी गुजरती है और एक्सरे पर भूरे रंग का फिल्म बनती है। इस इमेज में फेफड़ों के अंदर की हवा काली दिखाई देती है। एक्सरे सस्ती और सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर एक्सरे कराने में मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती और यह शरीर के किसी भी हिस्से का इमेज उत्पन्न कर सकती है। आपको बता दें कि सीटी स्कैन की अपेक्षा एक्सरे में कम मात्रा में रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे फ्रैक्चर चोट मोच में असामान्य सहित कई समस्याओं के निदान के लिए यह सटीक एवं स्पष्ट इमेज प्रदान करता है। एक्सरे हवा द्वारा बहुत ज़्यादा अवशोषित नहीं होता, इसलिए यह शरीर के अंदर की संरचना का सटीक चित्र बनाता है। हड्डियों के कैंसर का सही एवं सटीक निदान के लिए एक्सरे को बहुत फायदेमंद माना जाता है। आपको बता दें कि एक्सरे की कीमत 150 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होती है। एक्सरे की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर के किस हिस्से पर एक्सरे कराना है। सरकारी अस्पतालों में जहां कम खर्चे पर आसानी से एक्सरे कराया जाता है, वहीं प्राइवेट अस्पताल में इसकी कीमत अलग अलग होती है। अलग अलग शहरों में अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग एक्सरे कराने का खर्चा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।